Hey, hello everyone. I welcome you to Vaak Genesis. Today video is all about the general knowledge which is very important for the IIT JEE and for the NATA examination जो कि आपसे directly पूछा जा सकता है. And these questions are mostly I have taken from the NCERTs, so it is going to be quite easy. बस थोड़ा से conceptual होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, interesting लगेंगे. I will try कि आपको कुछ ऐसी information दे दूँ जो I think आपको पसंद आए. बट बिफोर आई स्टार्ट तो आपको बता देता हूँ कि फाउंडेशन प्लान और एडवांस प्लान फॉर 2022 हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं. आप उसको अवेल करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द आर्क जेनेसिस ऐप फ्रॉम द प्ले गूगल प्ले स्टोर और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी 25% ऑफ चल रहा है टिल 31st अगस्त तक, ठीक है? तो इसको कर सकते हैं. और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, ये है, और यहाँ पर आप मुझे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर आर द कंपोनेंट्स ऑफ भारत माता परियोजना. भारत माता परियोजना के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर, डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सप्रेस वे. ऑप्शन आर देयर ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगे टिक करो, देखो क्या है. तो मैं आपको बता देता हूँ, द राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी. भारत माला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट फॉर द हाईवे सेक्टर्स विच इज फेज वन फ्रॉम 2017 to 2022. तो ये करंट में भी है, पता होना चाहिए. भारत माला जो परियोजना है 2017 से लेकर 2022 तक फेज वन चलेगा. इट्स टोटल ऑफ अराउंड 24,000 किलोमीटर आर बीइंग कंसीडर्ड इन अ फेज वन. इन एडिशन फेज वन आल्सो इंक्लूड 10,000 किलोमीटर ऑफ द बैलेंस रोड वर्क अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, भारत माता परियोजना सब्ज्यूम्स ऑल एक्सिस्टिंग हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द फ्लैगशिप नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1998. साथ में क्या क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट करना. इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब एक सिटी यहाँ पर है, दूसरी सिटीज देयर, सो यू आर गोइंग टू मेक अ कॉरिडोर लाइक मुंबई एंड अहमदाबाद. इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स लाइक जो पाकिस्तान बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है, इन सबको कनेक्ट करना. एंड कनेक्टिविटी, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स लाइक अवर साउदर्न इंडिया पार्ट्स दैट इज फ्रॉम द कोस्ट ऑफ फ्रॉम द गुजरात टू गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका एंड देन केरला अगेन. तो ये पूरा का पूरा जो है ये वाला अपना इंडिया यहाँ से होता है, इस पार्ट को कनेक्ट करना एंड एक्सप्रेस वेज बनाना. ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, ए बी सी डी फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक्स. तो ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इग्नियस रॉक के अंदर आपको बताना है कौन सा सही है. दे कैन फॉर्म बेनिथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज दे आर डिवाइड ऑफ द फॉसिल्स. थर्ड इज क्वार्ट्जाइट एंड द ग्रेनाइट आर द इग्नियस रॉक्स. तो देखो होता क्या है, देर आर थ्री टाइप ऑफ द रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. देखो इग्नियस का मतलब क्या है, इट इज वेरी इजी. सपोज दिस इज अवर लिथोस्फेयर मतलब द क्रस्ट ऑफ अवर अर्थ एंड द लावा इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, राइट? तो जो लावा होगा आता है इस तरह से, लावा इट इज गोइंग टू डिपॉजिट, इट इज द इग्नियस रॉक्स. After so many years, what happened? Now the agent of denudation start weathering it. जैसे हवा पानी क्या करेंगे, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देंगे. It is going to be breakdown. Now this sedimentation, like it is going to deposit over there. This type of rock system is called as sedimentary rock system. ये rocks. Clear? Now, till now we have understood the igneous rocks and sedimentary rocks. Now if we apply excessive heat or pressure or both, now the rocks will change drastically. They transform in different type of the rock, and this type of the rocks are totally different from the parent rock. That's called the metamorphic rock. समझ में आया? Igneous rocks lava की तरह निकलता है, उसको weathering होने के बाद it becomes the sedimentary rocks. और अगर igneous rock के ऊपर या फिर sedimentary rocks के ऊपर if we apply एक्सेसिव हीट और प्रेशर, इट कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट रॉक, दैट्स कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक. तो थ्री टाइप ऑफ द रॉक सिस्टम आर देयर. नाउ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द इग्नियस रॉक सिस्टम. दे कैन फॉर्म बेनिथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. यस ऑफ कोर्स, मे बी लावा कुड नॉट कम आउट, लाइक यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, इट्स गेट सेटल्ड ओवर देयर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. दे आर डिवाइड ऑफ द फॉसिल. यस, फॉसिल्स मीन जीवाश्म, लाइक सपोज दिस इज स्टार फिश, राइट? सो इट लाइक यहाँ पर वॉट हैपेंड, द सेडिमेंटेशन टू प्लेस. तो ये क्या हुआ, इट्स बिकम द रॉक, बिल्कुल रॉक के अंदर ये समा जाती है. बट वॉट हैपेंड, व्हेन द लावा इज कमिंग, इट इज सो हॉट दैट इट इज गोइंग टू
डिमोलिश एवरीथिंग लाइक विच इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स और एवरीथिंग, बिकॉज सपोज जो इतना इट इज सो हॉट दैट द रॉक इज स्टार्ट मेल्टिंग, सो हाउ इट इज पॉसिबल टू फॉसिल टू सर्वाइव आउट देयर. यस दिस दिस इज देयर, दे आर डिवाइड ऑफ द फॉसिल. यस इट इज राइट. इन द इग्निस रॉक सिस्टम वी डोंट फाइंड एनी फॉसिल्स. क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट आर इग्निस रॉक्स. नाउ द क्वेश्चन इज देयर, क्वार्ट्जाइट यस इट इज इग्निस रॉक्स बट सॉरी ग्रेनाइट इज इग्निस रॉक बट क्वार्ट्जाइट इज नॉट द इग्निस रॉक. राइट, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है. दे आर द मेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द रॉक दैट ग्रुप्स अंडर द थ्री फैमिलीज ऑन द बेसिक ऑफ देयर मोड ऑफ द फॉर्मेशन. इग्निस रॉक्स, इग्निस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ द मैग्मा एंड द लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सो दे आर नोन एज द प्राइमरी रॉक्स. द इग्निस रॉक्स, इग्निस मीन्स फायर, आर फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सोलिडिफाइड. व्हेन मैग्मा इन दिस अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इनटू अ सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इग्निस रॉक सिस्टम. एज आई सेड द लावा इज कमिंग फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ एंड इट गोइंग टू सेटल, दैट्स कॉल्ड द इग्निस रॉक. The process of the cooling and solidification can happen in earth crust, plutonic, or in the surface of the earth. That's called the volcanic rock. We are not going to in detail plutonic rock system क्या होते हैं या फिर volcanic system क्या होता है, बता देता हूँ. सुनो, देखो, it's very simple. This is lithosphere. Lava is coming like this. Some lava is going to deposit over here, and some lava will be coming on the earth surface. This system is called as plutonic rock system. Plutonic rock system, and this is called the volcanic rock system. It is all available in the NCERTs, right? तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बता रहा हूँ मैं. Igneous rocks are devoid of any fossils. Yes, this is because any fossils in the original rock will have melt when the rock melted to the magma. Yes, option 2 is correct. Igneous rocks are classified based on the texture. The texture depends on the size and the arrangement of the grains or the other physical condition of the material. If molten material is cooled slowly, it's at great depth, minerals, grains may be very large. Sudden cooling in the surface result in small and smooth grain. मतलब क्या है इसका? I think आपको, मैं try कर रहा हूँ हिंदी के दोनों में try करने के लिए, so please mind करना. देखो, English का आपको समझ में आ गया है, now come to the Hindi. ये हमारी earth crust है, यहाँ से lava निकला है, तो एक ये मान के चलते हैं lava इस तरह से निकला है ना, एक ही पार्टी है. कौन सा ठंडा जल्दी होगा? विच विल बी बिकम कूलर? ऑफकोर्स दिस पार्ट. वाई? बिकॉज सनलाइट लाइक रेन इज देयर, इट इज गोइंग टू कूल डाउन. इफ द कूलिंग इज रैपिड और वेरी फास्ट, द साइज ऑफ द ग्रेन्स आर गोइंग टू बी स्मॉल. ठीक है, एंड नाउ इट विल टेक मच टाइम टू कूल डाउन. इफ द कूलिंग इज ग्रेजुअल और स्लो, नाउ यू विल फाइंड बिग क्रिस्टल साइज. दिस इज द रीजन यू विल फाइंड द गुड क्वालिटी ऑफ द डायमंड्स inside the earth. You never find the good quality of the diamonds on the earth surface. क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो गया था, और ठंडा जल्दी होगा तो साइज होगा डायमंड्स का, इट इज गोइंग टू वेरी स्मॉल. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइज का बड़ा होगा. ठीक है, ये बात कर रहा है. फिर आता है ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट, वॉल्केनिक, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द इग्निस रॉक्स. बट मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? इफ यू आर अप्लाई एक्सेसिव हीट और प्रेशर, इट विल कन्वर्ट इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. सो दिस आर एग्जिस्टिंग रॉक सिस्टम, इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन. और ये क्वार्ट्जाइट, मार्बल, सिस्ट, स्लेट, ये सब चीजें एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक रॉक के. आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ द ब्रेक इन द मानसून? आपने नाम सुना होगा आउटबर्स्ट ऑफ द मानसून, कमिंग ऑफ द मानसून, रिट्रीटमेंट, रिट्रीट ऑफ द मानसून. अगर आपको नहीं पता है, यू कैन वॉच माई मानसून वीडियो. आई हैव डिस्कस एवरीथिंग, एंड मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जे, बिकॉज एवरी टाइम दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द मानसून सीजन. राइट, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रेक इन द मानसून? फर्स्ट, अ रेन डेफिशिएंट सिचुएशन इन एनी एरिया व्हेन द मेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड इज व्हेन रेन फेल्स टू अकर फॉर वन और मोर वीक्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन इन फ्यू डेज. बायफर्केशन ऑफ द मानसून विंड इन टू अरेबियन सी ब्रांच इन टू द बे ऑफ बंगाल. तीसरा, सडन ऑनसेट ऑफ द मोस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विद द वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग. तो उसका सही क्या है? मानसून ब्रेक. लाइक जैसा भी नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, पिछले 7-8 दिन से रेनफॉल नहीं हो रही है, अगले 3-4 दिन नहीं होगी, सो देर इज अ ब्रेक इन द मानसून. सो वेन द रेन फेल्स टू ऑकर फॉर वन और मोर वीक ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग द रेन फॉर अ फ्यू डेज. कुछ दिन बारिश होती है, कुछ दिन के बाद इट इज हैव द ब्रेक, दैट्स कॉल्ड द मानसून ब्रेक. ठीक है, इसको पढ़ लेना. इसको बोलते हैं बस्ट ऑफ द मानसून का मतलब क्या है? द रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगेन रादर एब्रप्टली. वन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट रेन इज दैट इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर सब्सटेंशियली.
बारिश पहली बार होती है ना मानसून की, देखा होगा बहुत थंडर स्टॉर्म आते हैं, लाइटनिंग होती है, दैट्स कॉल्ड द बस्ट ऑफ द मानसून, राइट, अराइवल ऑफ द मानसून। फिर आता है ब्रेक इन द मानसून, जब थोड़ा ब्रेक हो जाता है पिछले कई दिन तक, लाइक 7-10 दिन 15 दिन देर इज नो रेनफॉल, दैट्स कॉल्ड द ब्रेक इन द मानसून, और जब मानसून वापस जाता है दैट्स कॉल्ड द रिट्रीट ऑफ द मानसून। दीज टर्मोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप कहां पर है? यू शुड नो, दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अंडमान निकोबार एंड दिस इज लक्षद्वीप। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, द एंटायर आइलैंड लक्षद्वीप कौन सा है? ये वाला है ना, दिस इज अंडमान एंड दिस इज निकोबार, बोथ कॉल्ड एज अंडमान निकोबार। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ द कोरल डिपॉजिट, आपको बताना है विच इज करेक्ट। नारकोंडम इज ए स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप, ये आपको बताना है इज इट करेक्ट और रॉन्ग। थर्ड इज सैडल पीक इज द हाइएस्ट पीक इन द लक्षद्वीप आइलैंड एंड द फोर्थ 11-degree चैनल सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो आप ढूंढ सकते हैं। यू शुड नो दीज आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन नेचर, लाइक लावा के से बने हुए हैं, एंड दीज आइलैंड्स आर मेड ऑफ द कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स अपन मूवीज में देखो ना, मालदीव के बारे में दिखाते हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज ऑल कोरल आइलैंड्स, मालदीव लक्षद्वीप ये आसपास ही हैं। ठीक है, सो द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ द कोरल डिपॉजिट। I don't know about the option B, C and D, but one thing I am sure that option A is correct. तो आपको इतना ही चाहिए। Now you are able to correct this option because the question is which of the following statement is correct in the context of Lakshadweep Island. You know the first option is right. You can click it. That's it. Narkondam Island के बारे में बात करें तो Narkondam, I should know it first. So Narkondam, this is in a small volcanic island in Lakshadweep. No, it is not Lakshadweep, it is in, यहाँ पर कहीं है, it is in Andaman. ठीक है, so this is Andaman. Saddle Peak is the highest point in the Lakshadweep? No, it is in, also in, Saddle Peak, it is in Great Nicobar, I suppose. It is in Andaman Nicobar Island, groups of island. 11-degree channel separate Lakshadweep from Maldives. क्या मतलब है? देखो, ये equator है, ये 0 degree, ऊपर जाएंगे तो 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4, 5, 6, 7, 8, तो पता हमसे 8 degree क्या करता है, 8 degree डिवाइड्स लक्षद्वीप एंड मालदीव। 8 जो डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव को डिवाइड करती है, जो 9 degree चैनल है वो क्या करती है, वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अंदर डिवाइड करती है 9 degree, और जो 10 degree चैनल होती है वो अंडमान निकोबार को डिवाइड करती है। ये इतना जीके आप याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ो, रहने दो, यू कैन लीव इट, लेकिन यू शुड नो अबाउट द 8, 9 और 10 degree चैनल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज मेड ऑफ द कोरल डिपॉजिट, यस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द मालदीव एंड इंडिया लक्षद्वीप रन थ्रू द 8 degree चैनल, जो व्हाट आई हैव डिस्कस अबाउट इट, राइट। 8 degree चैनल क्या करती है, डिवाइड्स इंडिया एंड मालदीव। सेटल पीक और द सेटल हिल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड इन द इंडियन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, इट इज नॉट इन द ग्रेट निकोबार, इट इज नॉर्थ अंडमान आइलैंड। Narkondam is a small volcanic island located in the Andaman Sea. They are supposed to be dormant volcanoes. India के अंदर आपको पता होना चाहिए, there is only one volcanic island which is active. That is, कौन सा island है जो आज भी active है? India के पास भी volcanic island है जो active है, धुआं निकलता रहता है। Can you please write down in the comment section? देखते हैं कितना आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लॉन्गिट्यूड एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 15 टाइम जोन। फर्स्ट ऑप्शन, ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना सही है क्या है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों ही गलत हैं। तो देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? अ सिस्टम ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व बाय द ऑल कंट्रीज, लाइक यू शुड नो कि प्राइम मेरिडियन क्या है, कौन कौन सी कंट्री से पास होती है और हमारा क्या है, दैट इज 5:30 फास्ट। मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज, सपोज दिस इज अवर इंडिया और यहाँ से जो पास होती है तो उसके नाम से रखा गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 ईस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड टाइम विच इज 5:30 अहेड ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। द होल वर्ल्ड हैज इन फैक्ट बीन डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, 24 घंटे के साथ डिवाइड किया गया, ईच ऑफ विच डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट टू द 15 लॉन्गिट्यूड एंड और इन वन आवर इन द टाइम।
लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो और मैं सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपको कि टाइम जोन क्या होता है उसके अंदर, फिर प्राइम मेरिडियन क्या होती है, डेट लाइन क्या होती है और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन टू देयर कंट्रीज। देर आर सम कंट्रीज एंड रीजन दैट फॉलो अनयूजुअल टाइम जोन, मैनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई दिस इज ए कंट्री और द प्राइम मेरिडियन इज पासिंग फ्रॉम देट, ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए देखा जाए तो, इट इज ट्रू कि ऐसा सही रहता है, बट देर आर सम कंट्रीज विच इज हैव नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ द पैटर्न। आपको जानना कौन कौन से कंट्रीज है तो डू वन थिंग, सर्च ऑन द गूगल और लिखो डेट लाइन एंड यू बी सरप्राइज दैट डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट, ये कुछ ऐसा सा बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, सिर्फ डेट लाइन ऐसी है जो सीधी नहीं है एंड ऑल दीज लॉन्गिट्यूड्स आर स्ट्रेट, ठीक है। खैर मैं आपको उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज इन अ सॉलिड स्टेट। आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है ऐसे है, ये क्रस्ट है, फिर ये मेंटल है और ये कोर है, दैट इज ऊपर वाली पार्ट को बोलते हैं वी कॉल्ड इज क्रस्ट, दैट्स कॉल्ड द मेंटल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कोर। इवन द कोर इज ऑल्सो बीन डिवाइडेड टू पार्ट्स, इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं इनर कोर। मेंटल इज ऑल्सो बीइंग डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसको बोलते हैं आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, दिस इज मेड ऑफ द लिक्विड एंड इनर कोर इज इन द सॉलिड स्टेट, और जो इनर कोर है ये सॉलिड की बनी हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। पर क्वेश्चन ये होता है कि जो टेम्परेचर है, इफ वी गो लाइक इफ वी गो नियर टू द अर्थ कोर द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसा आपको पता होगा कि हम अर्थ में जितने भी अंदर जाएंगे द टेम्परेचर विल स्टार्ट, आई थिंक 1 डिग्री इंक्रीज इन एवरी 165 मीटर्स, 165 किलोमीटर 165 मीटर आप नीचे जाते हो देन 1 डिग्री टेम्परेचर विल इंक्रीज। द क्वेश्चन इज कि जो कोर है द टेम्परेचर विल बी हाई एट द इनर कोर बट स्टिल इट इज सॉलिड, और यहाँ पर तो लिक्विड हो चुका है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, द रीजन इज बिकॉज इट इज हैविंग द हाई प्रेशर, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो फॉर्म चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके जो एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं जो गैस होती है और इट इज कमिंग इन लिक्विड फॉर्म, हिलाकर देखना उसको तो यू विल फाइंड कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर, बट वॉट इट इज ये गैस है लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इट हैज कन्वर्टेड फ्रॉम द गैस टू दी लिक्विड, और करोगे तो सॉलिड में चेंज हो सकती है। सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। Another, the outer core is a main source of magma that finds its way to surface during volcanic eruption. तो ये बोल रहा है कि जब लावा निकलता है, volcanic eruptions निकलते हैं, the lava is coming from the outer core. No, this is the wrong statement. Mostly it's coming from the atmosphere or the upper mantle. इतने नीचे सुना है ना आएगा 62,000 6,200 किलोमीटर्स सुना है नीचे से निकलता है। So first statement is right, second is wrong. ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम, ऑल द प्लैनेट्स हैव मोर देन वन नेचुरल सेटेलाइट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज मैं क्लास ले रहा था अपने जो बैच वाले बच्चों की, तो काफ़ी अच्छा लगा, एक बच्चे को छोड़कर सबने गलत दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप भी अटैम्प्ट करो, तो पहले पॉज करो वीडियो को और जिसको देखते हैं कि आप सही हो गलत हो, आपको पता होना चाहिए। लाइक स्पेस एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक सब बच्चों को पसंद आता है, तो हाउ मच यू नो अबाउट द स्पेस। पहला स्टेटमेंट है ऑल दी प्लैनेट्स हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका एक से ज्यादा सैटेलाइट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल दी प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस इन द वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे है ना ये सन है, ये यहां पर चौकीदार पीछे से आवाज लगा रहा है। सो ऑल दी प्लैनेट रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रोटेट करता है, सेकेंड स्टेटमेंट। सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट टू हैव रिंग सिस्टम अराउंड इटसेल्फ। सही ऑप्शन क्या है इसका, पहला दूसरा तीसरा और पहला और तीसरा, द राइट ऑप्शन इज डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं देख लेते हैं, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, मैनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन मून,
मार्स हैज 2 मून्स, जुपिटर है 67, ये याद रखना, इट वॉज इन करेंट, कुछ दिन पहले की, कुछ महीने पहले की बात है. बिफोर जुपिटर इट वॉज अ सैटर्न विच वॉज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स, बट 20 न्यू सैटेलाइट हैज बीन डिस्कवर्ड एंड नाउ द जुपिटर इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स. सो जुपिटर है 67, नेपच्यून 24, 14. दोज नंबर्स कीप चेंजिंग एंड अपडेटिंग. ऑफकोर्स जितना हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं. ऑफ द इनर प्लैनेट मर्करी एंड वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट. तो यू शुड नो दैट मर्करी एंड द वीनस दे डोंट हैव एनी, दिस टू प्लैनेट्स डोंट हैव ए नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ हैज ओनली वन लार्ज नेचुरल सैटेलाइट, क्या है हमारा, चंद्रमा. मार्स हैज 2 टिनी नेचुरल सैटेलाइट्स, फोबोस एंड दिमा. ठीक है, फोबोस के बारे में काफी न्यूज में रहता है. जुपिटर का टाइटन काफी न्यूज में है ना, वो भी सर्च कर लेना एक बार, नेट बैठे हो आप देख लो ना जाकर गूगल पर, एक बार वीडियो पॉज कर लो कि क्या है. यहाँ पर डिस्कवरी की बात चल रही है कि इट इज प्रोवाइडिंग द गुड टेम्परेचर प्रेशर फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट इन फ्यूचर. अभी तो कुछ नहीं, भाई का पता, देखते हैं क्या होता है. स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. वीनस इज वन ऑफ द जस्ट 2 प्लैनेट दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो याद रखना मोस्ट ऑफ द प्लैनेट दे रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, बट द वीनस एंड द यूरेनस. सो वीनस यूरेनस दे आर रोटेटिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. तो अगर आप वहां पर जाओगे तो आपका सनराइज कहां पर होगा, वेस्ट में, और सनसेट कैसा होगा, ईस्ट में होगा. जैसे हमारी अर्थ क्या होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसलिए हमारा सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है ना. सो बैकवर्ड रोटेशन इट कंप्लीट वन रोटेशन, ये आप देख लेना. स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. अ रिंग सिस्टम अराउंड अ प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेनेटरी रिंग सिस्टम. द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट फेमस प्लेनेटरी रिंग इन द सोलर सिस्टम इज फ्रॉम द सैटर्न, बट अदर 3 जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून दे आर ऑल्सो हैविंग द रिंग सिस्टम. सो यू अंडरस्टूड द 3 ऑफ लाइक द 3 स्टेटमेंट दे आर फॉर. ओके, अनदर क्वेश्चन. आई थिंक काफी लंबा डिस्कशन हो रहा है, मुझे लग रहा था कि 10-15 मिनट निपटा दूंगा मैं ये सब चीजें, बट अगेन व्हाई पीपल डू नॉट सिंक इन द डेड सी. डेड सी कहाँ पर है ये पता होना जरूरी है. वहां पर डेड सी है तो वहां पर सिंक क्यों नहीं करते, लाइक यू डोंट नो स्विमिंग, आप जाओगे तो आप वहां पर स्विम करते रहोगे, आप सिंक नहीं करोगे. द रीजन यू हैव टू टैग द प्रेजेंस ऑफ द मरीन एनिमल्स इन द सी. तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि वहां पर मरीन एनिमल्स मिलते हैं तो क्या जरूरत है, उससे क्या मतलब है, पानी की प्रॉपर्टी फिलहाल चेंज होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द लो टेम्परेचर इन द डेड सी मेक स्विमर मोर बॉयंट, ये कुछ को नहीं है, लो टेम्परेचर का मतलब नहीं है ऐसा कुछ. द हाई सोल्ट कंसेंट्रेशन इन द डेड सी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द वॉटर. यस इट इज ट्रू, अराउंड 10 टाइम्स ज्यादा होती है फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, फ्रॉम द नॉर्मल ओशन वाटर. तो आपको बता होगा सैलिनिटी का मतलब क्या है, 35 PPT बोला जाता है, पार्ट पर 1000. तो नॉर्मल जो लेते हैं 35 लेते हैं, इट इज फॉर द एटलांटिक, और जो डेड सी की है वो है 350 PPT. तो आप समझ सकते हो इट इज 10 टाइम्स मोर सलाइन. सो द हाई सोल्ट कंसेंट्रेशन इन द डेड सी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द वॉटर, इट इज द राइट ऑप्शन. द डेप्थ ऑफ द थर्मोक्लाइन इज लोकेटेड नियर द सर्फेस ऑफ डेड सी. ये कुछ नहीं है, थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ लेना क्या होता है. एक मतलब एक टेम्परेचर आता है, एक हमारी लेयर होती है ओशन की, ये ऊपर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं फोटोइक जोन. तो ये टेम्परेचर ऐसा गिरता है, दिस इज द टाइम, दिस इज लाइक ऐसा होता है लाइक इस तरीके से. तो जो टेम्परेचर होता है ऐसा गिरता है, इस लेयर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं होता है और यहां पर जाकर स्टेबल हो जाता है, बट दिस इज द थर्मोक्लाइन टेम्परेचर. थर्मोक्लाइन एक लेयर होती है जो टेम्परेचर बहुत जल्दी डिक्रीज करता है, और एक लेयर और भी होती है, यही लेयर होती है लगभग, उसमें डेंसिटी जो होती है उसके थर्मो, उसमें थर्मोहलाइन बोलते हैं उसको शायद, उसके अंदर क्या होती है सैलिनिटी बहुत जल्दी डिक्रीज होती है, छोड़ो उसको. तो ठीक है ना, द सॉल्ट इज 30-44%. द एक्सट्रीम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट इज वाटर कॉज इट डेंसर देन द प्लेन फ्रेश वाटर. सिंस अवर बॉडी वेट इज लाइटर लेस डेंस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, अवर बॉडी इज मोर बॉयंट इन द डेड सी मेकिंग इट इजी टू फ्लोट. हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. फिर आता है विद रेफरेंस टू द टोलाइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट अकर्स वेन अर्थ रिसीव डिफ्यूज और रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सन इवन वाइल इट इज स्टिल बिलो द होरिजन. Equator regions witness shorter twilight than those of the higher latitudes. तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा apparent moment of sun वाला, तो ये तो क्लियर है आपको कि ये वाला पार्ट तो ठीक हो गया होगा कि क्यों होता है ऐसा, है ना. क्योंकि हमने डिस्कस किया था, जो मैंने क्लास में बताया था ना कि apparent moment of sun, जो सन का ओरिएंटेशन कैसा होता है, हमारी अर्थ इस तरह से मूव करती है,
ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. सो इन द समर टाइम सन इज ओवर देयर, सन इज लोकेटेड ओवर हेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर टाइम पीरियड, एंड इन द विंटर्स इट्स मूव एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एंड यहाँ सन होता है, लाइक आपको याद आ गया होगा मैं क्या आप किसकी बात कर रहा हूँ. सो द इक्वेटोरियल रीजंस विटनेस शॉर्टर ट्वाइलाइट देन दोज ऑफ द हाई लैटिट्यूड. इट इज ट्रू. इट अकर्स व्हेन द अर्थ रिसीव डिफ्यूज और रिफ्रैक्टेड लाइट. डिफ्यूज लाइट का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज लाइट का मतलब ये होता है, ये मान लीजिए दिस इज अ रूम और एक विंडो है. सनलाइट सपोज कीजिए सनलाइट, एंड यू मेक अ छज्जा ओवर इट लाइक दिस, तो सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है तो सन नहीं आना चाहिए आपके लिए, बट यू विल गेट दिस लाइट है ना. सुबह के टाइम डायरेक्ट सन, डायरेक्ट सनलाइट इज नॉट कमिंग, तो आपको तब भी लाइट दिखती है ना, दैट्स कॉल्ड द डिफ्यूज लाइट. मतलब यहाँ से जाने के बाद टकरा के वापस आती है, ऐसा आती है डिफ्यूज लाइट. ठीक है. सो इट अकर्स व्हेन अर्थ रिसीव डिफ्यूज और द रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम द सन इवन व्हाइल इट इज स्टिल बिलो द हॉरिजन. इट इज ट्रू. तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट. स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए हम यहाँ पर ही रोकते हैं. बट अगेन अगर आप चाहते हैं कोर्स खरीदना अगले 2022 को डेडिकेटली प्रिपेयर करना, तो इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू. पूरे 8-9 महीने हम लोग साथ में काम करने वाले हैं, और एडवांस प्लान का मतलब तो ये है कि आप जितने भी कोर्सेज चलेंगे इन फ्यूचर आपको पूरे साल तक सबके अंदर फ्री एक्सेस मिलेगा, तो अभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.